हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस, आज की रेसिपी है इडली, वो भी है सूजी की इडली। तो चलिए हम बनाते हैं। तो गाइस, हमें सबसे पहले सूजी लेनी है 2 कटोरी। और गाइस, है ना, ये रेसिपी है ना 5 मेंबर्स के लिए है, तो आप ट्राई करना ज़रूर। तो गाइस, हमें सूजी ले लेनी है और उसके बाद हमारे को इसके अंदर डालनी है छाछ। तो गाइस, अगर आपके पास छाछ अवेलेबल नहीं है तो आप, है ना, इसके अंदर दही भी यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा खट्टा हो दही, नॉर्मल दही जो होता है वो डाल सकते हो आप, और छाछ भी थोड़ी खट्टी हो ना तो वो डाल लेना। तो गाइस, हम छाछ डालेंगे इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, है ना, छाछ है ना आपको थोड़ी ज़्यादा डालनी है, क्योंकि सूजी फूलती है, तो उसके हिसाब से आपको छाछ डालनी है, और इसका बैटर रेडी करना है आपको। और उसके बाद, है ना, आप छाछ को डालने के बाद गाइस, है ना, आप पानी भी डाल सकते हो, बट पानी, है ना, आप अभी भी डाल सकते हो या सूजी फर्मेंट हो जाएगी, मतलब थोड़ी फूलने के लिए हम छोड़ेंगे ना, उसके बाद भी डाल सकते हो। तो गाइस, हमें फटाफट से गोल रेडी करना है, और इसके अंदर हमें थोड़ा सा डालना है नमक। और नमक डालने के बाद गाइस, ये गोल रेडी है, और मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया अभी। आप चाहे तो बाद में भी मिला सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मिला लो। उसके बाद हमारे को डालना है नमक, और इसे अच्छे से मिला लेना है। और गाइस, उसके बाद हमारे को इस बैटर को, है ना, रख लेना है 10-15 मिनट के लिए ढक के, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा भी रख सकते हो, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाएगी, आपका बैटर रेडी हो जाएगा। तो गाइस, ये हमने बैटर रख लिया है और रेडी है, 15 मिनट हो चुके हैं। तो गाइस, मेरा बैटर ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा अलग निकाल रही हूँ। और गाइस, इस बैटर के अंदर हमारे को डालनी है थोड़ी सी इनो, और इनो डालने से क्या है ना, सूजी फूल जाती है। और अगर आपके पास इनो नहीं है तो बेकिंग सोडा डाल सकते हो थोड़ा सा, और अच्छे से मिला लो इनो डालने के बाद। तो गाइस, जब आप इनो डालो ना तो इसको अच्छे से मिला लेना, और इसको ज़्यादा, है ना, आपको देर तक नहीं रखना इनो डाल के। आपको फटाफट से, है ना, इनो डालने के बाद आपको, है ना, जो इडली का कुकर है ना, इसके मोल्ड है ना, उसके अंदर आपको थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। और ऑयल लगाने के बाद आपको, है ना, इडली का जो अपन ने डाला ना, उसके अंदर इनो वो वाला घोल, है ना, आपको डालना है। तो गाइस, इसके अंदर, है ना, आप भर लेना इसको अच्छे से, ताकि आपको ज़्यादा इडली फूली भी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा ही घोल डालना इसके अंदर, तो इडली, है ना, फूल जाएगी थोड़ी। तो गाइस, आप अच्छे से इसके अंदर डाल लो, और उसके अंदर इडली के कुकर के अंदर आप पानी डाल के रख लोगे इसके ऊपर, और इसके अंदर आप मोल्ड के अंदर भर लो। और उसके बाद, है ना, हमारे को पानी को क्या है, गर्म कर लेना है, उसके बाद ही आपको, है ना, ये रखना है। रखने के बाद, है ना गाइस, आपको, है ना, थोड़ा सा गैस की फ्लेम, है ना, थोड़ी सी हाई रखनी है इनको, जैसे ही रखोगे ना आप, और उसके बाद आपको ढक लेना है, और 5 मिनट तक आपको, ना, गैस की फ्लेम को हाई रखना है, ताकि ये फूल जाएगी अच्छे से, और उसके बाद लो कर लेना। तो गाइस, है ना, इडली रेडी है। तो गाइस, आप इसे चेक करने के लिए आप इसके अंदर नाइफ डाल के देख सकते हैं, अगर नाइफ, है ना, ऐसे ही निकल रहा है तो रेडी है इडली, और अगर चिपकती है तो उसको 5 मिनट के लिए और छोड़ दें। तो गाइस, है ना, आप इडली को निकालने के लिए ना पहले इडली को ठंडा होने देना, उसके बाद नाइफ या स्पून की सहायता से आप इसको निकाल सकते हो। तो गाइस, देखो, निकल चुकी है इडली, ऐसे ही करके आप, है ना, सारी इडली निकाल लो। तो गाइस, देखो, फुली फुली लग रही है ना इडली। तो गाइस, आपको बहुत अच्छी लगेगी सूजी की इडली। और राइस की इडली बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपको फटाफट से इडली बनाने की इच्छा है तो आप, है ना, सूजी की बनाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।